बीबे की गाड़ी मार्कर खुल गई है। काबली कंडेंसर है तो ये जापानी मच्छर ही हो सकते हैं। सारा फिक्स हो गया, पाइप साइप लग गया फिलहाल। इस वजह से इस बंदे ने इतनी मेहनत की है, माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहा है ये। तुमने सही कहा था, गाड़ी खुल के पैक होनी है। जी तो जनाब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रॉम मिंडभूमि रोड लाहौर। और ऑलमोस्ट इस गाड़ी को यहाँ पे खड़े हुए 24 घंटे होने वाले हैं, 5 घंटे बाद इसको 24 घंटे हो जाएंगे, तो अभी भी गाड़ी को पैक होने में तकरीबन घंटा डेढ़ लग जाएगा। तो आप यही हिसाब लगा लो कि जलालत बहुत लंबी चल पड़ी है और दुनिया जान का जानवर सो के उठ भी चुका है। हम अभी तक जाग रहे हैं और हमारा हाल जानवरों जैसा हो गया। खैर बॉयज, इसी बात पे फटाफट सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप। और बॉयज, मेरे पीछे जो आप मार्केट देख रहे हैं, ये वही मार्केट है जहाँ पे आपको वीकडेज़ में 10-11 बजे के बाद पाँव रखने की जगह नहीं होती इस मार्केट में, और गाड़ी पे गाड़ी और बंदे पे बंदा चढ़ा होता है और आपके पीछे आगे पीछे बंदे घूम रहे होते हैं, भैया ये काम हमसे करा लें, ये काम हमसे करा लें। और अभी मनाजिर देखो। और हम कल कितने बजे आए थे भाई? 7:30-8 बजे। हम शाम को 7:30-8 बजे यहाँ पे आए थे। अब ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 12 घंटे हो गए हैं। बीच में मैंने ब्रेक लिया था यार, जब मैं कल आया था, कल के ब्लॉग आपने अगर देखा होगा तो मैं गाड़ी यहाँ पे छोड़ गया था, चीज़ें छोड़ गया था, और फिर जब मैं वापस आया हूँ तो मैंने अगला ये वाला ब्लॉग स्टार्ट किया था। मैं वापस इसलिए गया था घर के, यार एडिटिंग करनी होती है, आपको पता है बिज़ी लाइफ स्टाइल, बहुत आजकल तो बहुत बिजी जा रहा हूँ ये मार्केट की वजह से। माशाल्लाह लालो लुक्स अमेजिंग, थोड़ी सी डर्टी है लेकिन कुछ नहीं होता, साफ भी हो जाएगी। ये कौन सा मुश्किल काम है लालो, है तो इसको ये बैठे बैठे ख्याल है कि मैं टेंट उतारूंगा। लो जी, गया टेंट। और मजे की बात, ये कर लो पहले। मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया था कि ये किसी ने डायरेक्ट लगाया हुआ था, जैसे ये तारें उधर वो डायरेक्ट लग रही थी, तो ये अब ग्रिप टू ग्रिप कर रहा है। इसके पास एक ग्रिप पड़ा था तो वो ये बिलाल इसको भी लगा देगा, तो ये भी लगे तो साथ साथ एसी के काम के साथ ये भी करवा रहे हैं। ये ऑयल अब सक कर रहा है इसका सारा सिस्टम। ये ऑयल हमने वैसे भी डालना था कंप्रेसर में, ये डलता है ताकि कंप्रेसर में डलता है क्या, इसमें डलता है, ये सारे एसी सिस्टम में डलता है बेसिकली। पाइप्स के अंदर ये जो एसी गैस होती है उसको घुमाता है, ऐसे ही है। हिम्मत डाउन है, अभी समझ नहीं आ रही क्या बोलना क्या नहीं बोलना। तो हर गाड़ी में होता है वैसे। हाँ जी, तो ये इम्पोर्टेड है। हाँ जी, मिशन सक्सेसफुल, इधर देख के जरा बोले ना। चलो बेस्ट हो गया। लो भैया, गाड़ी ऑलमोस्ट क्या बल्कि फाइनल हो गई है। बस एक ट्राई के लिए जा रहे हैं हम, एसी के साथ ड्राइव गाड़ी की चेक करते हैं कि कोई लोड शोड तो नहीं है ज़्यादा जो इंजन बर्दाश्त कर रहा हो या इस तरह की कोई भी चीज़। ड्राइव पे चलते हैं। एसी की कूलिंग भाई बहुत कमाल है यार। बस भाई कैसी कूलिंग है एसी की? कह रहे मैं सोया हूँ, मुझे तंग ना करो अगर आपको आवाज़ नहीं आई तो। अभी टाइम क्या चल रहा है ये चेक करें। मुझे दरवाजा से बाहर निकल फेंक दे। 7:04 हो गए और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह पे अभी रहती है। स्टीयरिंग कसना है इसका, बस देखना जिन टेला मार रहे स्टीयरिंग आ चुका है। टेला मार दो फिर तो। ये हम खुद भाई ये मैकेनिक बन गए आज भैया। एसी तो माशाल्लाह मैं आपको क्या बताऊं यार। कमाल, माशाल्लाह जेन्युइन, माशाल्लाह मैं ना अपनी नजर नहीं लगाना चाह रहा और आप भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा यार, जेन्युइन बहुत खर्चा हुआ है इसी पे। कितना हो गया होगा? 50,000 लग गया ना? 50,000 लग गया, 50 बल्कि हाँ 50 लग गया सिर्फ सामान पे। सामान पे, और अभी बिलाल साहब की लेबर भी रहती है जो माशाल्लाह इन्होंने इतनी मेहनत की है कि मैं, आपने देखा ही होगा यार ब्लॉग में, सारी रात ये बंदा जुड़ा रहा है इस गाड़ी को, और जेन्युइन इस बंदे ने सही मेहनत की है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस दिन इस तरह नहीं था जिस दिन तुम लेके आए हो गाड़ी, और इसका एसी था ही नहीं, सारा सिस्टम तो ए टू जेड अल्टर किया हुआ था सारा इन्होंने, अल्टर ये बिलाल भाई की जुबान में अल्टर किया हुआ था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बिलाल साहब के साथ जाया के बिलालगंज में लेके आने का, गर्मी में जहरीलो खुआर होने का, सारी रात जागने का फायदा हो। और कितने घंटे में गाड़ी क्लियर हुई है? 14 घंटे में 16 घंटे, 14 तकरीबन 15-16 घंटे लगे हैं। मेहनत लगी है यार, सीधी सी जो बात है, बिलाल साहब की अच्छी वाली मेहनत लगी है। यार इस गाड़ी का इतना को पप्पू एसी कर दिया ना इस बंदे ने, मैं इस बंदे को ऑनेस्टली मैंने इस बंदे को तकरीबन 20 दफे बात, अच्छा ये देखो शोका हो जाएगा, साथ ही शोका हो जाएगा। कहने की बात ये है, अगर आपने बिलाल से काम करवाना है, जो कि मैं भैया इससे बहुत सेटिस्फाई हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। लाहौर में बेसिकली ये काम करता है और ये
भाई घर आके भी आप ये काम कर देगा, आप इसको इलेक्ट्रिक कोई भी काम को मोस्टली ये सारे काम कर देता है। मेरी जितनी भी इलेक्ट्रिकल जितनी भी गाड़ियों का इलेक्ट्रिकल काम होता है ना, वो सारा ये करता है। और बेस्ट है अगर आपने भी करवाना हुआ इससे रब्ता करें, इसका सर खाएँ, ही विल श्योरली आपकी मदद ज़रूर करेगा। डिस्क्रिप्शन में हम इसका नंबर मेंशन कर दूंगा। बाकी बिलाल भाई बहुत शुक्रिया यार, आपने पूरी रात मेहनत की है, जेन्युइन भैया बहुत अच्छा लगा है, जेन्युइन, और एसी वर्थ इट है। माशाल्लाह भाई साहब, ये फर्स्ट टाइम दोनों गाड़ियाँ एक साथ निकली हैं और आई एम वेरी 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 हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह यार ये दोनों गाड़ियाँ हमारे पास हैं। लेट्स होप सो कि हमें इसको सेल करने की ज़रूरत ना पड़े, और इंशाल्लाह 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 नौबत नहीं आएगी इफ़ यू गाइस कीप ऑन सपोर्टिंग, जिस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह सपोर्ट करते रहें, और हम भी इंशाल्लाह इसी तरह का कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी आई होप आप लोगों को ये जो शॉर्ट्स हैं कुछ इसके और कुछ इसके शॉर्ट्स पसंद आए हों। हेलो रेस हो जाए, कहते हैं 5 सेकंड का हेडशॉट दो आगे नहीं आने दूंगा। नहीं भाई, लेकिन भैया बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है भाई। ये अपनी जगह बहुत अच्छी है, वो अपनी जगह बहुत अच्छी है, और अल्हम्दुलिल्लाह यार सबसे पहले तो सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि हम ये दोनों अफोर्ड कर सके हैं। और मुझे आपकी मजीद सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो कीप सपोर्टिंग बॉयज, बस ये बेची ना पड़े मेरा तो यही कहना है, और ये हमारे पास रहे। और अच्छा खैर वो बातें बाद में करेंगे, सेंटी बातें नहीं करनी यार। गाड़ी अलहमदिल्ला ओके हो गई है, एसी ओके हो गया, और बासिम इस टेकिंग लालो। मैंने कहा यार ये ले जाए, गाड़ी वॉश भी हो जाएगी, अपने हिसाब ज़रा सेट सुट करवा लेगा। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब इन सभी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में भाई की याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। देखो रात को निकले थे, दिन हो गया है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ਇੱਟ ਮਾਰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇ ਫਸਾ, ਤੂੰ ਖੜ ਬੋਲ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਈ। ਇਧਰ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਅਭੀ ਤੱਕ ਹਮਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਟਾਈਮਲੈਸ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਧਰ ਹਮ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਧਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 5 ਵਜ ਰਹੇ ਹੈ अभी देखें यार क्या होता है। बाकी प्रेशर हमने चेक कर लिया, कोई लीकेज लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं है, और होपफुली होगी भी नहीं। अभी दोबारा डैशबोर्ड फिट करें, डैशबोर्ड बाहर निकाल के वेपरेटर चेंज हुआ, मैं तो हैरान हो गया हूँ भाई, बहुत मुश्किल था इसका वेपरेटर चेंज करना। हैट्स ऑफ टू दिस गाय। क्या हुआ ब्रदर? सी वाटर ग्लास। तो क्या करूँ उसको? क्या करूँ उसका मैं? विंडस्क्रीन तोड़ने लगा ना, डलवा लीजिए। डलवान भाई, वी आर कमिंग सून।